Please like, share and subscribe to this channel. प्रणाम करै छी अहाँ सब गोटा के आई फेर एलहुँ चारम दिनक कथा लऽ कऽ चारम दिनक कथा अहाँके कहै छी आई सती के कथा हैत तऽ आरम्भ करै छी हम ईश्वर सृष्टि के रचना करबा के इच्छा सँ पहिने विष्णु तखन महादेव आ अंत में ब्रह्मा के रूप में अवतार लेलनि ब्रह्मा के सृष्टि करबाक भार भेटल तपस्या बल से ओ अपन शरीर से देवता आ ऋषि मुनि मुंह से शत्रुपा नामक स्त्री सहित स्वयं भू मनु दहिना आंख से अत्रि कान से मरीच आ दहिना पाजर से दक्ष प्रजापति के जन्म दिलन आ ब्रह्मा के संतानों सब सृष्टि कर लागल मरीचक बेटा कश्यप भेला आ अत्री के पुत्र चंद्रमा मनु के दूटा बेटा प्रियव्रत आ उत्तान पा ओ तीन बेटी आकृति देवहूति आ प्रसूति भेलन प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति से भेल ताहि से 60 कन्या के जन्म भेल ओहि में 8 कन्या के विवाह धर्म से 11 के रुद्र से 13 कश्यप से 27 टा के चंद्रमा से आ एक गोट सती नामक कन्या के विवाह महादेव से भेलन चंद्रमा अपन स्त्री सब में रोहिणी के सबसे बेसी मानित छलखिन ते बाकी 26 बहिन के हुनकर बहुत डाह होत छलन ओ सब अपन पिता दक्ष के एकर उलहन देलखिन दक्ष आसन जमा चंद्रमा के बुझेबा के चेष्टा केलन किंतु ओ निष्फल भेल दक्ष क्रोध से हुनका शराप द देलन अहाँ के 6 रोग भ जात आ संपूर्ण शरीर गल जात चंद्रमा के शरीर दिन दिन गल लगलन ओ देवता सब से गुहार लगौलन किंतु केओ हुनकर रक्षा नै केलकन अंत में ओ अपन साहू महादेव के शरण में गेला ताबत चंद्रमा के देह बहुत गल गेल छल किछु बचल छल महादेव हुनका अपन कपार पर चढ़ा लेलन हुनकर देह गलनाय बंद भ गेल तखन दक्ष के एकर पता लगलन तो ओ दौड़ल महादेव लग गेला आ हुनका चंद्रमा के अपन माथ पर से उतार लेबे लेल कहलखिन महादेव ई बात अस्वीकार क देलन ओ अपन शरणागत के तिरस्कार नै क सके छल दक्ष प्रजापति तहियो से अपन जमा महादेव से मतलब अप्रसन्न रहथिन दक्ष अपन तामस के देखबै लेल एकटा पैघ यज्ञक आयोजन केलन ओहि में सब देवता आ मुनि के नोत देलन किंतु महादेव के छोड़ देलखिन यज्ञ प्रारंभ भेल लोक सब देखबा लेल ओम्हर जाय लागल देवतागण अपन विमान से चलला सब के अपन नैहर दिस जायत देख सती महादेव के ओकर कारण पूछलखिन सती जखन बुझलन जे हुनके नैहर में एते पैघ यज्ञ भ रहल अछि तो ओ महादेव से बिना नोतो ओतय जाय लेल जिद ठानि देलन अंत में महादेव हुनका अपन सेवक वीरभद्र संग नैहर पठा देलखिन सती जखन अपन पिता के यज्ञ स्थली में पहुंचली तो केओ हिनका बैसहो ले तक नहीं कहलकन सब हिनका दिस ताक ताक कनफुसकी करे लागल अंत में जखन सती के सब देखत देखत आ महादेवक निंदा सुनत सुनत असहय भ गेलन तखन सती धधकैत कुंड में कूद क आत्मदाह क लेलन स्वाभाविक छल जे हुनकर संग वीरभद्र ओतय भारी उत्पात मचाव लागल दक्षक गर्दन काट लेलक यज्ञ मंडप के तहस नहस क देलक देवता आ मुनिगण के मार के भगा देले महादेव महादेव के जखन पता लागल तो ओहो त पहुंच गेला हुनका क्रोध में देख देवता सब कल जोड़ कर क्षमा प्रार्थी भेला ओ सब कहलखिन जे अहाँ के अपमानित करबा के दंड दक्ष पाइन गेला आब यदि यज्ञ संपन्न नहीं होयत त संसारक अनिष्ट भ जात
आ बिना यजमानक जीने यज्ञ कुना है त्या हेतु आप कहुना हुनका जियाओ। अंत में ओढ़रदानी महादेव पसीज गेला आ यज्ञ में बांधल बकरी के मुड़ी काट दक्षक धौर पर बैसा देलखिन। ओ पुनः जीवित भ गेला आ बोबो कर लगला। महादेव के हुनकर नव बोली बड़ प्रिय लागल। तहिए से लोग महादेवक पूजा के अंत में बोबो अर्थात बम बम करित अछि। दक्षक यज्ञ समाप्त भेल किंतु महादेव बताह भ गेला। ओ सतीक सब के अपन कान पर लेने जत तत बौआ लगला। विष्णु भगवान के ई स्थिति जखन नहीं देखल गेलन तखन वो अपन चक्र से सती के सब के काट काट कर खसाब लगला। सती के अंग सब जत जत भूमि पर खसल वो सब सिद्ध पीठ भेल। विष्णु महादेव के परामर्श देलन जे ओ कठिन तपस्या करत। सती जखन पुनः जन्म लेती तखन ओ हुनका प्राप्त भ जेथिन। महादेव तखन कैलाश छोड़ हिमालयक घनघोर जंगल में जा तपस्या में लीन भ गेला। ई तो भ गेल सती के कथा। आ फिर ओजके कथा में पतिव्रता के कथा से हो गई छ। एकटा राजा के दू कन्या छलखिन, पहिल कुमार व्रता आ दोसर पतिव्रता। कुमार व्रता के अर्थ जे भरि जीवन कुमारि रहत आ पतिव्रता के अर्थ जे अपन पतिये के सर्वस्व बुझेत तथा जीवन भर हुनक सेवा में लीन रहत। पति एक पति के आज्ञा अनुसार सब कार्य करत। राजा पतिव्रता के विवाह एक राजकुमार से कराए हुनका सासुर पठा देलखिन। कुमार व्रता के नंदन वन में एक कुटी बनाए हुनका रहबा के व्यवस्था कर देलखिन। एक दिन एक सिद्ध योगी ओही वन गने जाय छला। एकटा कौआ हुनका माथ पर चटक कर देलखिन। योगी क्रोध से कौआ के श्राप द देलन। कौआ जलकर भस्म भ गेल। साधु भीख मंगत मंगत पतिव्रता के ओत पहुंचला। पतिव्रता कहलखिन, नंदन वन में आग लाग गेल छे, ओहि वन में हमर बहिनक कुटी अछि, ओकरा बचा के आउ, ताबत हम तुलसी के बेर दैत छी। तखन भीख देल। साधु हुनका डरलखिन, हमरा जो शीघ्र भिक्षा नहीं देव तखन हम श्राप द देव। ताहि पर पतिव्रता कहलखिन, हम कौआ नहीं छी जे अहाँ के श्राप से हम भस्म भ जाए। ई सुन साधु अवाक रह गेला जे ई स्त्री तो हमरो से बेसी सिद्ध अछि। बाबा जी तुरंत नंदन बन गेला ओत आ ओ देखलन जे समस्त वन में आग लागल छे, खाली कुमार व्रता के कुटी पतिव्रता के प्रभुत्व सब बाँचल छे। बाबा जी तखन कुमार व्रता के कहलखिन, अहाँ भरि जन्म कुमारि रहकर तपस्या केलहुँ किंतु अपन कुटी के नहीं बचा सकलहुँ। अहाँ के कुटी पतिव्रता के प्रभाव से बाँचल, तैं ई सिद्ध भेल जे कुमार व्रता से पतिव्रता पैघ होइत अछि। ई सुन कुमार व्रता निश्चय केलनि जे ओहो विवाह कऽ पतिव्रता बनि जेती। भोर बेला पर जाहि पुरुषक दर्शन हुनका सबसे पहिने हेतनि तिनके से विवाह कऽ लेती। भोर भेला पर हुनक प्रथम नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ल। ओकर शरीर कुष्ठ से गलल जाय छले, तैयो ओ निश्चय अनुसार ओकरे अपन स्वामी बना लेलन। ओकरा अपन कुटी में आन ओकर सेवा कर लगली। दिन रात स्वामी के सेवा करत किंतु स्वामी के रोग बढ़ले जाय। अंत में एक दिन हुनकर पति कह देलखिन जे आब हम बेसी दिन नहीं जी, तैं हमरा तीर्थ करा दिय। ओ अपन पति के ढाकी में लो माथ पर उठा विदा भ गेली। रास्ता में एकटा ऋषि सूली पर लटकल तपस्या करे छला। पतिव्रता जखन अपन माथ पर से ढाकी उतार लगली तो ऋषि के डाँड़ में चोट लग गेलन। हुनक समस्त शरीर कनकनाय लगलन। ऋषि हुनका श्राप द देलखिन, जाय स्वामी ले तू ऋषि के एतेक कष्ट पहुँचेला से स्वामी सूर्योदय से पहिने मर जथिन। ई सुन हुनका बहुत दुख भेलन आ ओ ओही ठाम बैस कर भगवान सूर्यक व्रत कर लगली। और पहिने हु ततबा तपस्या कहने छली जे हुनका विधवा भेनाई मुश्किल छलन। महात्मा के श्राप से पति मर त गेलखिन किंतु सती के तपस्या के प्रभाव से ओ फिर जीव उठलखिन और हुनकर शरीर पूर्ण स्वस्थ भ गेल।
एहि तरह सती के कतेको महिमा देखल गेल अछि। तैं हेतु सती सीता सावित्री अनसुईया बिहुला आदिक गुण गान एखनो धरि होइत अछि। यदि कोनो स्त्री मन से अपन पति के सेवा करै छथि तऽ हुनका कोनो प्रकारक कलेश नहि रहै छनि, ओ सती सीता और सावित्री जका अमर बनि जाइ छथि। ई कथा समाप्त भेल चारिम दिन का। आप कल पांचम दिन का।